सोशल मीडिया के जहां बहुत से फायदे हैं तो वहीं कई नुकसान भी जो कि अक्सर सामने आते रहे हैं। ऐसा एक मामला टोहाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की से पहले फेसबुक पर दोस्ती की और फिर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी युवक रोहतक का रहने वाला है, जो कि फिलहाल पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ 164 के तहत मामला दर्ज किया है। उस मामले में जी लड़की हमारे को ना 18 तारीख को बरामद हुई थी, उसके माँ बाप लेके आए थे और हमने उसके बयान करवा दिए, 164 की करवा दी, CWC के सामने भी करवा दी। तो उसने अपने बयानों में बताया है कि भी कोई रोहतक का लड़का फेसबुक पर उनकी जानकारी ली थी और वहाँ यहाँ अपने इसमें टोहाना में होटल बताया और एक जिम भाई होटल में मेरे को ले जाया गया और वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती ब्लॉक करके। तो इसमें क्या कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? कर दीजिए, हमने उसके बयान करा दिए, उसका मेडिकल करवा दिया था और कल हमने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, आज पेश कर लिया, थाने पे ले जाएंगे आरोपी को। हाँ, रिमांड लेंगे जी, इसको एक दिन का रिमांड पुलिस रिमांड लेंगे। जल्द ही आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे घटना से संबंधी पूछताछ की जा सके। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह से सजग होकर करना चाहिए, क्योंकि इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी। इसीलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त पूरी सावधानी बरतें। और अगर बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो पेरेंट्स और अध्यापकों की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को इस बारे में पूरी जानकारी दे, ताकि कोई उनका गलत फायदा न उठा सके। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को इंटरनेट संबंधी आवश्यक जानकारी दी जाए। प्रथम तहलका के लिए चौहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।